अनेक बार रात्रि के समय आप लोगों ने दृश्य देखा होगा, बिजली चली जाए तो हम लोग दीपक जलाते हैं, अथवा दीपावली की रात्रि में तो दीपक जलाते ही जलाते हैं। ऐसी स्थिति में छोटे छोटे पतंगे, छोटे छोटे कीटक उन दीपकों के समीप झपटते हैं और झपट करके वहीं पर मर करके ढेर हो जाते हैं। भगवान अवधूत ने भी यही दृश्य देखा और उनकी स्वयं की सीखने की वृत्ति होने के कारण वे उससे शिक्षा ग्रहण करके महाराज यदु को बतलाते हैं कि यह कैसी रूप की आसक्ति है। दीपक की लौ को देख करके ये पतंगे झपटते हैं और एक नहीं, एक के पश्चात दूसरा, तीसरा, चौथा, वह आते ही रहते हैं। मिलता उनको कुछ भी नहीं है, आंखें जलती हैं, पंख जलते हैं, वहीं पर राख होकर के गिर जाते हैं। दृश्य का यह परिणाम, रूप की आसक्ति का यह परिणाम उनके जीवन के नाश में होता है। और इसीलिए अवधूत महाराज कहते हैं, योषिधरण्याभरणादि द्रव्य द्रव्येषु माया रचितेषु मूढ़ः प्रलोभितात्मा विभोग बुद्ध्या पतंगवन नश्यति नष्ट दृष्टि। केवल पतंगे की बात थोड़ी है, हम लोगों में भी यह पतंगे की वृत्ति होती है। रूप का अत्यंत बड़ा आकर्षण हम सब लोगों के अंतःकरण में निर्माण होता है। वैसे तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन पांचों प्रकार के विषयों से यह संसार भरा हुआ है और इन सभी की ओर हम आकृष्ट होते रहते हैं, लेकिन फिर भी रूप की बात कुछ विशेष महत्व रखती है। रूप को देख करके मैं उस ओर आकृष्ट होकर के बस मुझे इसका उपभोग लेना ही चाहिए इस वृत्ति से झपटता हूं, अपने जीवन का नाश हो रहा ये देखता भी नहीं। मुझे याद आती है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वो उक्ति जिसमें वे कहते हैं, दीप शिखा सम युवती तन मन जनी हो सी पतंग। कैसी दिव्य उपमा उन्होंने दी है, किसी भी युवती का आकर्षक लगने वाला शरीर यह दीप शिखा के समान है और उसकी ओर झपटने वाला मेरा मन पतंगे के समान है। पतंगे का अनुगामी होकर के जो जो उस ओर झपटा और जिसने जिसने उसी में आसक्त होकर के अपने जीवन को लगाया, उसके जीवन का एक ही परिणाम दिखता है, नाश, नाश, सर्वनाश। नष्ट दृष्टि, ऐसे शब्द का प्रयोग अवधूत जी ने किया। सबसे पहले जब वो पतंगा झपटता है उसकी आंखें जल जाती है, पंख भी जल जाते हैं। आंखों और पंखों के जलने के कारण अब वह न कुछ समझता है और न कुछ कर भी पाता है। ध्यान रखना मित्रों, आंख यहां पर ज्ञान का प्रतीक है। आंख का जलना यह मनुष्य के संदर्भ में उसके विवेक का, उसके ज्ञान का नाश होना है। अत्यंत रूपासक्त व्यक्ति उस रूप का उपभोग लेने के लिए जब दौड़ता है, प्रयास करता है, उसी के चिंतन में डूबता है तो उसकी आंखें फूटती है। इसका मतलब उसका ज्ञान नष्ट हो जाता है, विवेक नष्ट हो जाता है।
और इस प्रकार के मजनू अपने जीवन में कुछ प्रकार का पुरुषार्थ भी नहीं कर पाते हैं, वे जीवन में कोई महान कार्य नहीं कर सकते हैं। मनुष्य को अथवा स्त्री को भी सुंदर रूप देखने की इच्छा होती है और दिखाने की भी इच्छा होती है, और इसीलिए लोग अपने को सजाने में अपनी कितनी शक्ति का नाश करते हैं। अवधूत जी महाराज के शब्द है, योषित हिरण्य आभरण अलंकार, हम वस्त्रों के पीछे दौड़ते हैं, अलंकारों के पीछे दौड़ते हैं। सुवर्ण हमें बड़ा अच्छा लगता है, सुवर्ण के तरह तरह के अलंकार धारण करके हम लोगों को यदि अपनी ओर आकृष्ट करना चाहते हैं, सज धज करके यदि हम लोगों को अपनी ओर आकृष्ट करना चाहते हैं, तो इसमें भी उपभोग बुद्धि ही है। लोग उनकी दृष्टि से अपने रूप का उपभोग लें, और इतने लोगों की दृष्टि के उपभोग के लिए मैं बन सकती हूं या बन सकता हूं, इसका समाधान मैं प्राप्त करता हूं, तो मेरा ज्ञान, मेरा विवेक, मेरा पुरुषार्थ तो नष्ट हो ही गया। ऐसा नहीं कि पतंगे के समान तुरंत लोग मर जाते हैं, ना। मरना केवल शरीर का नाश थोड़ी ही है। हमारा कितना समय इस प्रकार के विषयों के चिंतन में नष्ट हो जाता है, जरा देखो। क्यों लोग जाकर के फिल्मों को देखने के लिए इतने घंटे घंटे बैठते हैं, पता नहीं। अपने समय की बर्बादी, अपने धन की बर्बादी, अपने पुरुषार्थ की बर्बादी, और यही तो जीवन की बर्बादी है। इसका परिणाम मनुष्य भीतर से खोखला होता जाता है, वो तुरंत मरता उड़ता नहीं है लेकिन फिर कुछ कर भी नहीं पाता है। बड़ी विचित्र बात है, इस प्रकार रूप में आसक्त होकर के फिल्मों को देखने वाले, नाच गानों में रमने वाले लोग समय को, धन को तो बर्बाद करते ही करते हैं, उनकी मानसिक शक्तियों का क्षरण हो जाता है। कहीं पर भी चित्त को एकाग्र नहीं कर पाते, किसी भी प्रकार वे गंभीर विषयों का अध्ययन नहीं कर पाते, न कोई काम भी मन को एकाग्र करके कर पाते हैं। यदि इस प्रकार कुछ भी नहीं कर पाने वाला हो तो फिर उसके जीवन में रही क्या गया। जो लोग अपने चित्त को संयत करके और इस रूप के आकर्षण से अपने को बचाते हैं, जीवन में वे कैसा पुरुषार्थ कर पाते हैं। याद आते हैं मुझे लक्ष्मण, जिनके पुरुषार्थ में सभी का परम विश्वास, मेघनाथ इंद्रजीत तो केवल उन्हीं के द्वारा मारा जा सकता था, लेकिन इसके लिए उन्होंने तप कैसा किया। तेरह वर्षों तक भगवती सीता जी के साथ रहकर के भी उनके शरीर के ऊपर अलंकार कौन से है इनका पता उनको नहीं। 14 वर्षों में से एक वर्ष मैंने इसलिए घटा दिया कि एक वर्ष भगवती जानकी लंका में थी, इसलिए 13 वर्ष कहा। भगवान श्री राम जब अलंकारों को पहचानने के लिए सामने कर देते हैं तो लखनलाल जी के मुख से निकला हुआ एक उद्गार उनके जीवन का सर्वोत्तम भाष्य, नाहं जानामि केयूरे नाहं जानामि कुंडले नूपुरे तुभि जानामि नित्यं पादाभिवंदना। भैया मैं भाभी के बाजूबंद नहीं जानता, उनके गले के हार कैसे थे नहीं जानता, मैं तो केवल उनके चरणों के नूपुरों को जानता हूं, रोज प्रणाम करते समय मैंने केवल उन्हीं की ओर देखा। यह दृष्टि का संयम, पुरुषार्थ यूं ही निर्माण नहीं होता है।
स्वामी विवेकानंद के पास। एक अमेरिकन युवती ने जाकर के कहा, स्वामी जी मैं आप जैसा पुत्र प्राप्त करना चाहती हूं। हम लोगों की भाषा में सीधे सीधे बोलना हो तो उसने मैरिज के लिए प्रपोज किया। क्या उत्तर दिया स्वामी जी ने? धन्य भारत का वो सन्यासी, उसने सीधे कहा, मां मुझे को अपना पुत्र मान लो। स्वामी विवेकानंद अपने जीवन में अल्प आयु में इतना पुरुषार्थ कर पाए, इसका कारण कभी वे रूपासक्त नहीं हुए। ध्यान रखना, सौंदर्य तो सौंदर्य है और भारतीय संस्कृति सौंदर्य की पूजक संस्कृति है। हम सौंदर्य को नकारते नहीं, सुंदर ही रहना चाहिए, अच्छा ही दिखना चाहिए, सौंदर्य को समझना भी चाहिए। यहां पर शब्द है अवधूत महाराज का बड़ा सुंदर, उपभोग बुद्धिया। सारा सौंदर्य मेरे उपभोग के लिए नहीं है। यह दृष्टि हमारी बन जाए तो सौंदर्य का रसा स्वादन करते हुए भी हम उसका पूजन और उसका अभिनंदन करते हुए भी हम अपने को उससे बचा सकते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा भीष्म से, दादाजी काम वासना को जीतने का उपाय क्या है? उत्तर तो लंबा है लेकिन थोड़े में बतलाता हूं। भीष्म ने पहली बात कही, बेटे अन्य बातें बाद में कहता हूं, लेकिन पहली बात यह है अपनी दृष्टि का नियंत्रण करना सीखो। जिसने अपनी दृष्टि का नियंत्रण करना सीखा, रूप से जो सावधान हो गया, हर रूप का उपभोग करने के लिए मैं हूं, इस प्रकार की धारणा जिसके अंतःकरण में नहीं आई, वह निश्चित रूप से अपनी शक्तियों को संचित करता है, बचाए रखता है, उन्नत कामों में लगाता है, नश्वर भोगों में नष्ट नहीं करता। जितने जितने सफल महापुरुष संसार में हुए उन सभी ने इस मार्ग को अपनाया। धन्य है वे लोग जो इस मार्ग पर चलने का संकल्प करते हैं। तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु, वेद कहते हैं हमारे मन में उत्तम संकल्प जागृत हो। धन्यवाद।